हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग HIV एड्स के टॉपिक पे आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो हम सब ये देखते हैं कि हमारे इंडिया के कल्चर में हम लोगों को सेक्स या फिर ह्यूमैनिटी या रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों की बात बताई जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सेक्स के टॉपिक पर या रिलेशनशिप के टॉपिक पर या इंटरकोर्स के टॉपिक पर डिस्कस करना या बात करना बहुत ही बुरा माना जाता है। दैट्स आप कह सकते हो कि वेरी बैड थिंकिंग अबाउट इट, आवर पर्सन बहुत बुरा लोग मानते हैं, बात नहीं करते। फिर भी इस सभ्यता की वजह से या संस्कृति होने की वजह से, इतना सब कुछ बेहतर होने के बाद भी हमारी कंट्री जो है वो लगभग लेवल ऑफ थर्ड पोजीशन पे चल रही है HIV की कंडीशन से। तीसरी बार जो अपने यहाँ थर्ड टाइम 1984 में देखिए, USA के गैंगलॉन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एड्स के बारे में इंडिपेंडेंटली। उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, STDs। हम ये कहते हैं कि ये जो डिजीज है ये सिर्फ इंटरकोर्स के थ्रू या सेक्स के थ्रू किसी बॉडी में सर्वाइव नहीं करते। ये जो डिजीज है, ये डिजीज हमारे बॉडी में एक एक्स्ट्रा फॉर्म में ब्लड के सीरम में, ब्लड में और आपके सीमन में, सलाइवा में, लिम्फ में, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होती है, टीयर्स में और मदर्स मिल्क में, इन सब में HIV के जो वायरसेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपके पास HIV या एड्स का वायरस होता है, ये वायरस मदर के बॉडी से प्रेगनेंसी टाइम में जो बेबीज यूटरस में है उनके बॉडी में भी सर्वाइव कर जाता है, एंटर कर जाता है थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू उनके बॉडी में एंटर कर जाता है। अब ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में जो कि हम लोग एड्स देख रहे हैं, ये एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक डिजीज है, और जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के थ्रू आपके बॉडी में हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ये जो एड्स है वो सेक्स के थ्रू ही हो, इंटरकोर्स के थ्रू ही हो, ये डिजीज पर मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं कि किसी के थ्रू होता है। और ये डिजीज एड्स डिजीज है, HIV उसका वायरस होता है। आप HIV पॉजिटिव हो, इन द सेंस ये नहीं होता कि आप एड्स पॉजिटिव हो, आप में वायरसेस है अभी फेजेस में है, इनका जो लेटेस्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीरियड होता है जो कि आपके बॉडी में इस डिजीज की इफेक्ट को शो ऑफ करेंगे, कुछ सिम्टम्स आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, वो कैरेक्टर्स 5 to 10 ईयर्स के भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम एड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन होमोसेक्सुअल यूएसए 1981 में USA में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया गया, और कुछ होमोसेक्सुअलिटी में देखी गई थी। होमोसेक्सुअलिटी से ही सबसे अधिक एड्स है, HIV के जो डेंजरस पॉइंट है वो अफेक्टेड होते हैं, उन्हीं से ये जो डिजीज है उसका सामान्यता सबसे अधिक होती है ज़्यादातर। एंड सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि इन 1983 पेरिस में ये डिस्कवर किया गया एड्स, जिसका नाम दिया गया था इज नेम ऑफ LAV, लिम्फोडेनोफिलिक एसोसिएटेड वायरस, जिसको लुइस मॉन्टिग्नर ने डिस्कवर किया हुआ था। और इस डिजीज के लिए बताई जाती है कि ये डिजीज है, ये आपके बॉडी में एक बार जैसे ही एंटर हो जाती है उसके बाद ये आपके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करती है, आपका इम्यून बहुत कमजोर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी बुखार न्यूमोनिया कुछ भी हो जाता है, उस कंडीशन में वो जो डिजीज है आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, आपको लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स कैंसर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई भी डिजीज होती है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, देन आपकी जो बॉडी होती है वो डिजीज हो जाती है। आप पेशेंट को ऑलरेडी HIV से है, इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी मेंटेन नहीं हो पाती और आप एट लास्ट आपकी डेथ हो जाती है। HIV की कंडीशन में कोई भी पेशेंट होता है, एट लास्ट पॉइंट है कि जो पेशेंट होगा वो डेथ कर जाएगा, और वो जो पेशेंट होगा वो कभी ठीक नहीं हो सकता, HIV जो डिजीज है कभी ठीक नहीं होती। हाँ, उसकी फेजेस चलती हैं, उसकी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे ब्लूडाइन है, ये सब दवाइयाँ उसकी चलती हैं, उसकी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ये करते हैं कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के जो डिजीज को फैलाने के, सर्वाइव करने के, प्रोग्रेस करने के, उसके स्टेप्स के
जो स्पीड है उसको स्लो कर देती है, जो अपने पास ये वायरस है उसके रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन के रिप्लिकेशन को रोक देती है या स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स हैं कुछ लेट आते हैं, पर एट लास्ट आप मरोगे तो जरूर। अच्छा चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन 1984 इन यूएसए रॉबर्ट गैल्यू डिस्कवर्ड इन द एड्स वायरस इंडिपेंडेंटली एंड नेम ह्यूमन टी लिम्फोसाइटोसिस वायरस 3, जिसका नाम उन्होंने दिया HPLV3। हमने देखा कि मेरे पास फर्स्ट नेम जो है वो वायरस के नेम से हमें मिला कि क्या नेम है उनका, उनका नाम एलवी एंड सेकेंड नेम HPLV एंड थर्ड नेम हमारे पास आता है HIV, जिसका फुल फॉर्म हम जानते हैं कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस। और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस ये 1986 में एसोसिएटेड किया गया, बताया गया, जिसको कि टैक्सोनॉमी की कमेटी ने ये नाम प्रोवाइड किया हमारे बॉडी में इस वायरस एड्स या HIV के लिए। और अपने इंडिया में इन इंडिया एड्स वायरस वाज फर्स्ट फाउंड इन ग्रुप ऑफ सेक्सुअल वर्कर्स इन चेन्नई में 1986 में अपने इंडिया में फर्स्ट टाइम देखा गया था कि आपके पास सेक्स वर्कर, इसे कि आप खुद सब लोग जानते होंगे कार बॉयज एंड कार गर्ल्स होती हैं, तो उनमें ये सबसे पहले डिजीज पाई गई एड्स की। और फर्स्ट वर्कर का भी पॉइंट आप जान लें कि जो एड्स की डिजीज होती है ये सामान्यतः कॉमनली सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसमिटेड होती है तो ये रिलेशनशिप के थ्रू होती है, इंटरकोर्स के थ्रू होती है और अलग अलग लोगों के साथ अनसेफ अन सेक्स संबंध यानी कि सेक्स रिलेशनशिप क्रिएट करने से होती है। और उससे बचने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी पहले से कि हमारे पास ब्लड बैंक है। हमने कहा कि ये जो इसके प्रिवेंशन है, इसके फैलने के लिए, इसको इससे बचने के लिए जो तरीके हैं वो तरीके हैं कि हमारे पास जो ब्लड का सिग्नल है उससे सबसे अधिक तेजी से फैलता है, तो हमारा जो ब्लड बैंक है उस ब्लड बैंक में बिल्कुल सेफ तरीके से एंटीबायोटिक उसके एंटीजन को चेक करके हमारे पास ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें डिस्पोजल नीडल और जो है कि डिस्पोजल सिरिंज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू किसी एक ह्यूमन बींग किसी दूसरे ह्यूमन बींग को वो नीडल का यूज करने से हमें जो एड्स होगा वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन नहीं हो सकते। और कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सेक्स टाइम वो प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, जैसे मेल कंडोम्स और फीमेल कंडोम्स, और सेक्स रिलेशनशिप में बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रिलेशनशिप मेंटेन रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को एड्स से बचा सकते हैं। और ये जो एड्स होते हैं ये सबसे ज्यादा तरीके से सबसे एक्स्ट्रा कह सकते हैं आप कि सबसे अग्रेसिव पॉइंट पे अगर किसी चीज में फैलते हैं या पाए जाते हैं तो वो बहुत छोटी सी चीज है, वो है कि हमारे ब्लड में, हमने आपसे पहले बताया, सेकेंड पॉइंट हमारे सीरम में, और थर्ड पॉइंट की हमारे प्री सेक्सुअल फ्लूइड या फिर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। और कह सकते हैं कि जिनमें कि लोरेस्ट फॉर्म में ये एचआईवी का वायरस सर्वाइव करता है फैलता है तो वो मदर के मिल्क में होता है, हमारे पसीने में, टेयर्स में होते हैं, हमारे सलाइवा में होती है, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होती है। पर सामान्यतः सबसे ज़्यादा कॉमनली सबसे ज़्यादा ये डिजीज सर्वाइव करती है, सर्वाइव करती है। सो हमें बिल्कुल सेफ और सिक्योर बॉडी रिलेशंस में होना चाहिए।